पमा गा रे सा। अब ये सही तरीके का खर्च है। मित्रों नमस्कार, मैं संजय पत्की, स्वर स्वामी ऑफिशियल और स्वर स्वामी ओल्ड, इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हो रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि नेचुरली भगवान ने हमको इतना तो खर्च दे ही दिया है। खर्च का मतलब क्या है? आवाज को मोटा करना, इसका मतलब खर्च है क्या? फीमेल का खर्च, अगर कितना भी खर्च करती है फीमेल, उसकी आवाज में मोटापा नहीं आएगा। थोड़ी सी आवाज बड़ी भी नजर आएगी, पर वो नहीं आनी चाहिए। अब कैसे होता है कि नेचुरली पामा गा रे सा ने दा पामा गा रे सा, अब ये सही तरीके का खर्च है। आप अगर, मैं गलती नहीं करूंगा आपके सामने गले से खर्च लगाने की, क्योंकि अगर मैंने वो गले से खर्च लगा दिया तो मेरी मेहनत चली जाएगी और आगे का सब कुछ बैंड बच जाएगा। तो मैं खर्च तो लगा के दिखाया, पामा धा पामा गा रे सा नी रे सा नी दा पामा गा रे सा ने दा ने रे गा मा धा नी रे गा मा पा। अब मुझे बताइए, मेरा लग रहा तो ये गलती से भी कोशिश मत करना आपकी नीचे जाके, यार गुरुजी का तो लग रहा है, मेरा भी लगना चाहिए। गुरुजी की ऊंचाई 6 फुट है, तुम्हारी ऊंचाई 5 फुट है, तो क्या खींचोगे खुद को? ऐसा कुछ मत करो। तुम अपने आप में बहुत बड़े हो, अपने आप में तुम अच्छे आर्टिस्ट हो। तुम्हारी आवाज जनरली समाज में, जनरली वर्ल्ड में जो गाने चलते हैं वो पंचम तक ही नीचे से चलते हैं। पंचम से लेकर ऊपर के गंधार तक बहुत हो गया। मैं बार बार यही आपको दोहराता हूँ, पंचम से लेकर ऊपर के गंधार तक आवाज जब चलता है तो आपने ये ख्याल में रखना चाहिए कि उस चीज के पीछे क्यों लगे, उस चीज के पीछे क्यों लगे जिसका काम ही नहीं है। और आपकी आवाज सा ने दे सा ने द पा, और ठीक है सा ने रे सा ने द मा 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 गा मा द नी नी द पा। अब जब खर्च लगा रहे तो यहाँ मुंडी रखने के बाद में, मुंह यहाँ रखने के बाद में जब खर्च लगता है तो आपका मुंह ऐसा होता है, नीचे आते हैं। ये गलत है। अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ की मसल्स और वो जो वोकल कॉर्ड है वो तो ऐसी उसका श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक होने के बाद में आपकी आवाज़ खुली आएगी क्या? नहीं आएगी। अच्छा, दूसरी बात, माइक यहाँ पर लगा हुआ है आपके और आप यूँ गा रहे हैं तो ये थ्रो इधर आना चाहिए ना, तो इधर थ्रो तो माइक काम नहीं करेगा, मतलब आवाज़ खींची नहीं जाएगी। रिकॉर्डिंग के वक्त आपको बहुत तकलीफ होगी, थोड़ा सा इधर भी हो गया और इधर भी हो गया ना, तो वो उधर का वो मालूम पड़ता है उधर कि वो रिकॉर्डिंग में थोड़ा फॉल्ट आता है। तो आपको आपका साउंड कितना चाहिए ये पहले तय करके आपका थ्रो और मुँह की रखावट ये माइक के सामने, सुर ऊपर के लगे तो ऐसे गए और नीचे के लगे तो ऐसे आए, ये गलत है। इसी टाइप रख के वो आपको यहीं पे रख के सुर ऊपर ऐसे और यही सुर नीचे ऐसे, जैसे सा सा नी दा पा मा धा नी रे गा मा धा नी रे सा नी दा पा मा गा रे सा नी रे सा। अब मेरी आवाज देखो, धा धा नी रे गा मा धा नी रे गा मा पा मा गा रे सा नी रे सा दा पा मा गा रे सा नी रे सा नी दा मा धा नी रे नी दा पा मा दा पा मा गा रे गा मा धा धा पा पा मा गा मा रे गा गा। बार बार क्या यमन ले रहा, चलो ठीक है फिर इतना सी कर लेते। गा मा धा धा नी दा पा 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 दा मा मा पा मा मा गा मा रे गा धा धा मा गा रे सा सा ने 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 दा मा रे ने रे ने मा गा रे सा गा 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 बन मोरा आया बा ने सनादेवे या मधु मर बन तुमरो सपन में आओ बियर। अब मैंने ऊपर किया हुआ देखो, नारी
इसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। गा मा जाने रे गे जानी रे नी धपा मा धनी रे नी धपा मा धपा मा गे गा मा नी धरे गा धप नी रे पा मा धनी मा गे जा नी रे जा पमा ध मा ध मा पा मा गा मा मा गे गा पमा ध पमा ध पमा मा ध पमा ध प ध ध प ध मा प ग प ग मा मा गे मा ध धनी नी ध मा गे गे जा नी रे जा। आपको सुरों को वहीं के वहीं पे खेलना है, दांत की थ्रो करना है बाहर। अगर उठाने वाले होगे, समझदार होगे तो उठा लोगे। पमादा पमादा पमा गा देगा पमादा पमादा दा पा दा मा पा मा दा नी मा नी मा दा दा पा मा पा मा दा पा दा मा मा गा दा नी रे नी दा पा मा दा पा मा गा देगा मा नी दा देगा दा पा नी रे पा मा दा पा मा दा पा मा दा मा दा मा पा मा गा मा मा गा दे दा नी रे दा